फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ये जो स्क्रीन पे आप पांच क्वेश्चन देख रहे हैं, वो हमारे एक स्टूडेंट नीरज, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने सॉल्व करने के लिए भेजा था, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ सवाल पूछना है, तो आप मेरे हमारे फेसबुक पेज में जाकर व्हाट्सएप नंबर लेकर हमें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन नीरज से नीरज ने पूछा था, वह था, जब कोई भारी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? RBC, WEC, पट्टिकाणु या जिप्तव? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है WEC। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ओ। निम्नलिखित में कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेड्यूला, थैलेमस, पॉन्स या पिन्ना? दोस्तों, इसका सही आंसर है पिन्ना। तो जो पिन्ना रहता है वो बाहरी कान का हिस्सा रहता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मनुष्य मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर सेरिबैलम। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जिसका आंसर जिसको सॉल्व करने के लिए नीरज ने बोला था, तो उसका आंसर है मानव शरीर में। क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं को सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएँ, पेशी कोशिकाएँ, अस्थि कोशिकाएँ, यकृत कोशिकाएँ? दोस्तों, इसका सही आंसर है मस्तिष्क कोशिकाएं। अगर आपको भी कोई डाउट हो तो आप हम मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।